जैन मंदिर है शायद। नीचे गंगा माँ। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग राजगीर में हैं, राजगीर के गलियों को घूम रहे हैं। वैसे हम लोग कल ही मुजफ्फरपुर से राजगीर आए थे, मगर आने में रात लेट हो गया तो ठीक से ब्लॉग नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ आए तो पता चला कि सारा टूरिस्ट प्लेस सब बंद है, इसीलिए अभी राजगीर में जो जो हो सके कवर करेंगे, ना हो तो राजगीर के गलियों को ही घूमते हुए पावापुरी तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर वापस पटना होते हुए मुजफ्फरपुर। इधर में सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड, सीता कुंड, सभी अभी कुंड सब बंद है। वेणु वन, हर चीज़ अभी बंद। जापानी मंदिर, पांडु पोखर, यहाँ पे ब्रह्म कुंड है, अंदर में ही है ब्रह्म कुंड। सब जो कुंड है इसमें गर्म पानी आता है पहाड़ से, नेचुरल गर्म पानी। कहा जाता है कि यह ब्रह्म कुंड द्वार यही है, इससे स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होता है, बहुत सारा बीमारियाँ भी दूर होता है। जरा देवी मंदिर, सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए एक अलग से फीस आना होगा, क्योंकि अभी कोविड के कारण हर चीज़ बंद है। आज का व्लॉग मेन रहेगा राजगीर से मुजफ्फरपुर का मोटो व्लॉग। जयप्रकाश उद्यान, सब अभी बंद है। घोड़ा कटोरा देखते हैं, अगर खुला हो। वहाँ पे बौद्ध भगवान का बहुत ही बड़ा प्रतिमा है। उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ जो झील है सो घोड़े के शेप में, और वहाँ उस टाइम पे जो राजा थे उनके घोड़े उसी झील से पानी पीते थे। ये सफारी है लगता है। पापा मम्मी भी साथ में है, पापा मम्मी मिट्टियोर से हैं। अरे मेरा बाइक है KTM RC 125। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी टमटम का मतलब प्रचलन ज़्यादा है, हर तरफ दिखता है शहर में सब। अब कहाँ, बचपन में मुजफ्फरपुर में भी देखते थे घोड़ा गाड़ी रहता था टमटम। विश्व शांति स्तूपा 1 किलोमीटर, घोड़ा कटोरा के लिए लेफ्ट होकर 7 किलोमीटर। हर चीज़ यहाँ पे आसपास में ही है, अगर कोई आए तो बहुत इजीली घूम ले, बहुत प्यारा जगह है। इधर विश्व शांति स्तूप है, वही ऊपर पहाड़ पे दिख रहा हो, वहाँ ऊपर पहाड़ पे विश्व शांति स्तूप है। कितना प्यारा जगह है, वेल मेंटेन्ड, कितना अच्छा, एकदम प्रदूषण मुक्त जगह है। यहाँ पे आके माइंड पूरा रिलैक्स्ड लग रहा है। यहाँ पे बंदर देखिए, सब अभी बंद है। मैं तो विश्व शांति स्तूपा, रोप वे भी यहीं पे है, वल्चर्स पीक भी है, कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रुक गया था। जापानीज में लिखा हुआ है क्या ये सब? घोड़ा कटोरा पे जो बुद्ध भगवान का प्रतिमा है उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
उसके बारे में जानकारी दी हुए। यहाँ पर राजगीर का टूरिस्ट मैप, टोटल 41 टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं पावापुरी की ओर। ये लगता है राजगीर का बस स्टैंड। नौलखा मंदिर, इस साइड प्लांटेशन बहुत अच्छा से किया हुआ है। रोड के दोनों तरफ पूरा हरियाली है। ऐसा नहीं कि जंगली पेड़ सब है, प्लांट किया हुआ है लोग। पहाड़ को देखिए कितना करीब, कितना बड़ा है। एक चीज नोटिस की है, इधर का पहाड़ सब पे ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं है। इधर फोर लेन का काम चालू है, बोर्ड लगा हुआ था फोर लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर रोड। यहाँ पे लगता है मछली पकड़ा जा रहा है। जल मंदिर 2 किलोमीटर। हम लोग को अभी राइड जाना है। यही तो है जी जल मंदिर। हम लोग जल मंदिर पे रुके हुए थे पावापुरी के। अब हम लोग निकल रहे हैं पटना की ओर। पटना होते हुए मुजफ्फरपुर जाना है। यहाँ से पटना 80-85 किलोमीटर्स के अराउंड है। ओ वाह, ये कौन सा मंदिर? जैन मंदिर है सर, बहुत ही प्यारा है। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और इधर में जल मंदिर। राइफल मोड़ पावापुरी, गजब नाम है जी। फोर लेनिंग का काम चल रहा है। अभी स्ट्रेट जाना है पटना। यहाँ से 85 किलोमीटर, बख्तियारपुर 32, बिहार शरीफ 5 किलोमीटर। हम लोग अभी बिहार शरीफ क्रॉस कर, रोड के दोनों तरफ जब बड़ा बड़ा पेड़ रहता है तो उस बीच चलाने में अलग ही फील आता है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखने में भी अच्छा लग रहा है। कैसे गिलास है? 20।
कैनाल नहर, कितना अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, स्पीड 20 के राउंड ही मेंटेन कर पा रहा है। रॉन्ग साइड आ रहा है गाड़ी का। यहाँ पटना का वाटर पार्क यही है इस तरफ। एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दे दिया करिए। ये पटना का वाटर पार्क, पार्क वाटर पार्क। आज के राइड का अपना पहला टॉल। बाइक वालों का सही है, टॉल पे नहीं करना होता है। सेवेंटी फाइव किलोमीटर है, राइट होना होगा मुझे तो अभी के लिए। अभी पटना का 0 माइल आ गया है। बाइक में फ्यूल अभी कम है तो यहाँ 0 माइल पे बाइक फ्यूल अप करना है। डीजल 91.8 और पेट्रोल 105.87। 560 फिर भी चल रहा है। हाथी देखिए, गजराज। राइट में हम लोग के पटना साहब हैं, गुरुद्वारा साहब पटना के। महात्मा गांधी सेतु अब चालू होने वाला है नीचे गंगा में। कितना प्यारा लग रहा है देखने में। बस वाले को नीचे केला का खेती होता है। यहाँ का केला वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज़्यादा केला यहीं पर होता है हाजीपुर। पुल के नीचे नीचे दोनों तरफ देखिएगा सिर्फ केला का खेत होगा। आज के ब्लॉग का दूसरा टॉल।